खुशी हो रही है मेरे को, मेरा ही नाम का उद्घोष करते हुए। मैंने भी मेरे गांव के सरकारी स्कूल में मेरे पिताजी की स्मृति में पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जिसके गांव के स्कूल के बच्चे फ्री पढ़ते हैं। स्कूल में डोनेट करिए, लगभग 7 से 8 लाख रुपए की लागत से मैंने एक सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी बनवाई है। अवेलेबल नहीं है ये ऐसे फाउंडेशन के लिए, तो अच्छा नंदू मीना जी हैं, ये एसएलजी फाउंडेशन का पुरस्कार लेने के लिए हैं, तो इनको भी सर्टिफिकेट दिया जाए। इनका तो लिखा हुआ है आदरणीय विमल कुमार मीना जी, हमारे माननीय वर्तमान अध्यक्ष कार्यकारिणी के, हम लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय अध्यक्ष साहब जी के हाथों से आप लोगों को सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए, आप लोग तालियां बजाते हुए ना रुको तो और मजा आएगा, फिर मैं भी जाऊं सबसे प्रशस्ति पत्र लेने, वरना फिर मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा तालियां बजाने के लिए। तालियां तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अभी मैं चाहूंगा कि आदरणीय विमल कुमार मीणा जी प्लीज आप इतना स्थान ग्रहण करें, फिर कार्यकारिणी के लिए मैं और बाकी सदस्यों से चाहूंगा कि बाकी के सदस्यों को आप सम्मानित करें प्रशस्ति पत्र दे करके। तो आगे के क्रम में मैं नाम बोलूं उससे पहले चाहूंगा कुछ एक पंक्तियां समाज सेवकों के लिए बोलने के लिए। तैयार हो आप सब लोग? विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं, विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं, और समाज में बदलाव तो समाज सेवी ही ला सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी समाज सेवियों के लिए। अगले क्रम में मैं चाहूंगा एक हमारे समाज के एक सोविक मियां जी हैं भाई हमारे, जो इन्होंने ये यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं 2022 में, से आप आईएएस ऑफिसर बने हो, सोविक मीणा जी, सनोप श्री घनश्याम मीणा जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सोविक जी के लिए। सोविक जी प्लीज अगर आप यहां मौजूद हैं तो जरूर स्टेज पे पधारें। जगदीश मीणा सर भी स्टेज पे पधार चुके हैं आईआरएस ऑफिसर, इनके लिए भी जोरदार तालियां। जी नागरिक अरुमा क्या आप मंच पे बैठे? सोविक जी स्टेज पे आ गए हैं क्या? नहीं आए तो प्लीज उनके साथ में कोई है, आए हैं तो जरूर आके। अगले क्रम में फिर मैं लाइन से नंबर लूंगा सबका। प्लीज देवांशी मीणा, सनोप सिंह, राजेंद्र मीणा जी, देवांशी स्टेज पे आ जाइए। देवाशीष, सॉरी ये नाम मिस स्पेल्ड हो रखी स्पेलिंग, देवाशीष मीणा, सनोप राजेंद्र मीणा, सोनू मीणा जी, सनोप नानकराम मीणा, मनीष मीणा, सनोप श्री सूर्यानी मीणा, अमन डामाचिया, प्लीज जो जो नाम बोले जा रहा हूँ मैं आप लोग आ जाइए, नहीं तो भी बाद में आपको स्टेज से कलेक्ट करने पड़ेंगे आपकी सर्टिफिकेट।
कैथरीन कुमारी सनोप धर्मेंद्र कुमार मीणा, ये डॉटर ऑफ है, क्या लिख रखा है इसमें, कैथरीन कुमारी, अंजलि मीणा, अंजलि मीणा, वर्षाली मीणा, प्लीज आप लोग स्टेज पे आ जाइए। ईशिका मीणा, खुशी मीणा, सन डॉटर ऑफ सीताराम मीणा, ईशिका मीणा डॉटर ऑफ विजेंद्र मीणा। ईशिका मीणा आपकी 93% रही है टेंथ में, अंजलि मीणा आपकी 12th में 89.20%, कैथरीन की 10th में 84.50%, खुशी मीणा डॉटर ऑफ सीताराम मीणा नीट 2023 में आपका सिलेक्शन हुआ है, श्रीगंज गोटवाल सनोप श्री हरिकेश मीणा 10th में 92% आपकी बनी है, सुमन मीणा जी डॉटर ऑफ श्री नारायण मीणा नीट में आपका सिलेक्शन हुआ है। प्लीज आप लोग आ जाइए मंच पर, जिन जिन नामों की मैं घोषणा मंच से किए जा रहा हूँ, अन्यथा बाद में आपको स्टेज से ही आपके सर्टिफिकेट कलेक्ट करने पड़ेंगे। शांति रहे। ऋषिराज, ऋषिराज जी, सनोप श्री, परम सिंह मीणा जी, ऋषिता मीणा डॉक्टर ऑफ गिरिराज प्रसाद मीणा 83% आपकी 12th में बनी है, और विकास मीणा, सनोप श्री, गिरिराज प्रसाद मीणा, आप IIT में चयनित हो, IIT में आपका सिलेक्शन हुआ, स्वागत है आप सभी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों का। व्यवस्था बनाए रखिए, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपना अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, तो इन लोगों के लिए भी तालियां बनती है, आप लोग प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट कम मत कीजिए सबके लिए। स्टेज पे कृपया सभी लोग खड़े ना रहिए, स्टेज पे यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, अभी काफी दुविधा हो रही है किनको सम्मानित करना है, किनको सर्टिफिकेट दिया जाना है, तो प्लीज प्लीज अपनी अपनी थोड़ी जगह बना के रखिए, स्टेज पे इतने लोग ना रही है, जो पीछे खड़े हैं काफी लोग, आगे सीटें खाली पड़ी, आप आगे आ जाइए, आगे की पूरी सीटें खाली हो गई है, तो प्लीज थोड़ी देर की बात है, कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर है। ये जो प्रतिभा है जिनको सम्मानित किया जा रहा है, इनके लिए तालियां कम नहीं होनी चाहिए, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर वे पर्वतों से उड़ा करते हैं, ये कैंचियां क्या खाक उन्हें उड़ने से रोकेगी जो परों से नहीं अपने हौसलों से उड़ा करते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी प्रतिभाओं के लिए। अभी महिलाओं के डांस की प्रस्तुति यहाँ पे होनी है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ रुके और एंजॉय करें, वाटर पार्क में भी भीड़ भी काफी ज्यादा हो गई, एक साथ आप लोग जा रहे हैं, कार्यक्रम अभी समापन नहीं हुआ है, समापन की हम आखिरी वेला की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर रुके। भैया बच्चों का हो गया, ये क्या किया, ये बाद में करने का।